हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं क्रिस्टल। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि आपको अर्थिंग कैसे चेक करना है, मतलब मल्टीमीटर से आपको अर्थिंग की रीडिंग कैसे निकालना है, मल्टीमीटर से अपनी अर्थिंग को कैसे चेक करना है कि हमारी अर्थिंग सही है या ख़राब है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा था कि सर अर्थिंग कैसे चेक करें। तो आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको मल्टीमीटर से अर्थिंग कैसे चेक करना है और उसकी रीडिंग कैसे निकालना है। अगर आज की इस वीडियो को आप लोग पूरी कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से अर्थिंग चेक करना सीख जाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर से अर्थिंग चेक करने वाले हैं और आप लोग को सिखाने वाले हैं कि आपको मल्टीमीटर से अर्थिंग को कैसे चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हमको बल्ब होल्डर लेना है और सबसे पहले आपको बल्ब होल्डर से अर्थिंग को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थ्री फेस की वायरिंग है, हम लोग एक सबसे पहले फेस में लगाएंगे और एक अर्थिंग में लगाएंगे। तो आप लोग देखते हैं हमारा बल्ब बिल्कुल आसानी से जल रहा, मतलब फुल रोशनी में हमारा बल्ब जल रहा है, मतलब कि हमारी अर्थिंग सही है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे फेस से चेक करेंगे, फिर तीसरे फेस से चेक करेंगे, मतलब हमारा बल्ब से तो यहाँ पर एकदम अच्छे से अर्थिंग काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग निकालेंगे कि हमारी अर्थिंग में कितना रीडिंग आ रहा है और कितने वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास से एक यहाँ पर मल्टीमीटर रखा हुआ है, उसी के माध्यम से हम चेक करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे भी कि अगर आपको कहीं पर अर्थिंग चेक करना है, किसी की रीडिंग निकालना है अर्थिंग की, तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर एसी वोल्टेज पर सेट करेंगे, डीसी वोल्टेज पर आपको नहीं सेट करना है, और यहाँ पर इसकी रीडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फेज में चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट फेज में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा था 234 के आसपास। ठीक है, हम दूसरे फेज में लगाएंगे दूसरा फेज और न्यूट्रल, तो यहाँ पर 247 के आसपास यहाँ पर रीडिंग आ रही है। शायद ये मल्टीमीटर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर भाई साहब रीडिंग बढ़ रही है घट रही है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर 248 के आसपास यहाँ पर रीडिंग निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारी रीडिंग बहुत कम बता रहा है, शायद हमारे मल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर 234 वोल्टेज यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, 234 वोल्टेज यहाँ पर लाइट आ रही है। ठीक है, दूसरे फेज में यहाँ पर 249-250 वोल्टेज लाइट आ रही है। ठीक है, और हम तीसरा फेज अपना चेक करेंगे, तो यहाँ पर तीसरे फेज में हम लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 244-243 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइन और न्यूट्रल का ये हमारा रीडिंग है। ठीक है, 230 के आसपास था, इसको हम एक कॉपी में यहाँ पर लिख लेंगे या फिर आप लोग इसका फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अर्थिंग के साथ चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर फर्स्ट फेज को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा, हम फिर से इसको लगा कर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट फेज यहाँ पर फर्स्ट फेज में लगाएंगे और इसको अर्थिंग में लगाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रहा है, फिर दूसरे फेस में लगाएंगे, फिर तीसरे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम न्यूट्रल और अर्थिंग को चेक करेंगे, उसमें कितनी रीडिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ऐसे चेक करना, हम फर्स्ट फेस में एक पॉइंट लगाएंगे और एक यहाँ पर अर्थिंग में लगाएंगे, और भाई साहब यहाँ पर भी रीडिंग दिखा नहीं रहा, शायद हमको दिख नहीं रहा है। अभी आपको बता दें कितनी रीडिंग यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा, और आपको ऐसे ही अर्थिंग चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसमें हमको लग रहा कि इसकी ये केबल ख़राब है, हमारा मल्टीमीटर ख़राब है, यहाँ पर रीडिंग सही दिखा नहीं रहा। तो आप लोग देखते हैं हमने एक फेज में लगा दिया है और एक हमने अर्थिंग में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 220 वोल्टेज यहाँ पर करंट दिखा रहा है। ठीक है, 220 वोल्टेज तक यहाँ पर करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऐसे आपको अर्थिंग को चेक करना है मल्टीमीटर से, और यहाँ पर हमने वो मल्टीमीटर साथ मतलब ख़राब था, यहाँ हमने दूसरा मल्टीमीटर यहाँ पर लिया है और इसको हमको वोल्टेज पे सेट करना है। ठीक है, हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें शायद सही रीडिंग नहीं आ रही थी और आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम दूसरे मल्टीमीटर से चेक करते हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं, लाइन न्यूट्रल चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन में लगाएंगे और यहाँ पर न्यूट्रल में लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर 227 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है फर्स्ट फेज में, और दूसरे फेज में हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 246 आ रहा है, और यहाँ पर तीसरे फेज में आ रहा है यहाँ पर 241 42 43 आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन न्यूट्रल चेक हो गया। ऐसे आपको लाइन न्यूट्रल चेक कर लेना मल्टीमीटर से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम फर्स्ट फेज और अर्थिंग का चेक करेंगे। ठीक है, तो हम एक अपने मल्टीमीटर का जो है जेड वाला पॉइंट होता है उसको लगाएंगे अपने यहाँ पर फेज में,
और दूसरा फेज लगाएंगे अर्थिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं अर्थिंग का हमारा जो रीडिंग आ रहा फर्स्ट फेज से यहाँ पर 240 के आसपास आ रहा, मतलब कि हमारी अर्थिंग सही है और अच्छा करंट यहाँ पर निकाल रही। ठीक है, और दूसरे फेज को चेक करेंगे तो यहाँ पर 237 से 240-40 आ रहा है, ये भी हमारा एकदम अच्छे से काम कर रहा है। और तीसरे फेज को यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर तीसरे में भी हमारा आ रहा 238 से, हाँ यहाँ पर 238-37 यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारी अर्थिंग बिल्कुल आसानी से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम न्यूट्रल को चेक करेंगे तो न्यूट्रल आप लोग देखते हैं 0.910 आ रहा है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसको हमको होना चाहिए था 0.2 यहाँ पर 2 से नीचे होना चाहिए, तो हमारी अर्थिंग ज़्यादा सही होती, मतलब काम कर रहा है ये भी लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसे अर्थिंग चेक करना, अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।